अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था पोलिटी में करने वाले हैं ये जो वीडियो होने वाला है इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आपको कराया जाएगा यहाँ से बी पी एस सी सिक्स टू एट हो नाइन टेंथ हो बी एस एस सी हो बिहार सिविल कोर्ट हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ से एक से दो प्रश्न देखने को मिलते हैं सिक्स टू एट में से तीन तीन से चार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे तो ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से बी तक का कवर हमने किया है तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं पंचायती राज व्यवस्था ये आप लोगों को दिख रहा होगा ग्राम पंचायत तो सबसे पहले इसके पंचायती राज व्यवस्था का पृष्ठभूमि हम लोग देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था कहते किसको हैं इनका विकास क्या हुआ तो पंचायती राज व्यवस्था जो होता है भारत शासन की एक ऐसी प्रणाली है जिसका उद्देश्य क्या है जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी को बढ़ावा देना ठीक है पंचायती राज शब्द का जो है शाब्दिक अर्थ होता है पाँच लोगों का शासन पंचायती राज शब्द का जो अर्थ होता है पांच राज्यों का शासन और हम ग्र ग्राम परिषदों की एक प्रणाली को संदर्भित करती है जो परंपरागत रूप से ग्रामीण भारत में मौजूद थी वास्तव में पी पंचायती राज व्यवस्था जो है उन्नीस सौ बानवे तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधानिक बनाया गया यानी भारतीय संविधान में तिहत्तरवें संविधान संशोधन उन्नीस सौ बानवे ईस्वी में करके पंचायती राज व्यवस्था को संविधानिक बनाया गया तो इस यहाँ से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है चलिए आगे हम लोग इसके बारे में हम लोग स्थानीय स्वशासन सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्थानीय स्वशासन क्या है स्थानीय स्वशासन का अर्थ होता है देश के स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना स्थापित करना महात्मा गांधी का सपना ये भी प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी सिक्स टू एट में पॉलिटी सेक्शन में कि किनका सपना था देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करना तो याद रखिएगा ये सपना जो था महात्मा गांधी का सपना था कि सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करना इसकी स्थापना की अगर बात करें दो अक्टूबर उन्नीस सौ में नागौर जिले जो कि राजस्थान में पड़ता है और गांव की अगर बात करें तो बागदरी गांव की में लागू किया गया था सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था वो किया गया था नागौर जिले में जो कि राजस्थान में पड़ता है अगर गांव का नाम पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा बगदरी गांव से जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लागू किया गया है क्योंकि तत्कालिक जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे ठीक है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य था पहला जो था राजस्थान था पहला राज्य भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला जो था राजस्थान राज्य था जो कि नागौर जिले और बगदरी गांव से लागू किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में भारत का दूसरा राज्य की अगर बात करें तो दूसरा जो होगा आंध्र प्रदेश जिसमें ग्यारह अक्टूबर उन्नीस को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था तो यहाँ से दो क्वेश्चन पहले स्थान पर राजस्थान दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश अगला जो है पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का अंतिम राज प्रथम राज, राजस्थान द्वितीय आंध्र प्रदेश और अंतिम राज्य जो हो वो मध्य प्रदेश था देश में अभी तक जम्मू कश्मीर दिल्ली मेघालय मिजोरम नागालैंड एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है तो याद रखिएगा कि जितने भी यूटी है यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश है उसमें है पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है चाहे वो दिल्ली हो जम्मू कश्मीर हो मेघालय हो नागालैंड हो यानी सभी जितने भी केंद्र पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं किया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा आगे हम लोग देखें महात्मा गांधी जी के प्रयास को देखते हुए संविधान में अनुच्छेद 40 में राज्य सरकार निर्देशक दिए गए हैं प्रत्येक गांव के ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा अनुच्छेद चालीस में ये पूछा जाता है पंचायती राज व्यवस्था में किस में ग्राम पंचायतों का गठन का संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का गठन की जिक्र किया गया है तो अनुच्छेद चालीस में ये पढ़ना ठीक है नीति निर्देशक तत्व में ये पढ़ना भी है जो आर्टिकल पैंतीस से छत्तीस इक्यावन में इसका जिक्र किया गया है तो आर्टिकल चालीस में कहता है अनुच्छेद चालीस के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए यह महात्मा गांधी जी के प्रयास के द्वारा संविधान आ गया था प्रत्येक ग्राम में तिहत्तरवे संविधान संशोधन अधिनियम उन्नीस सौ बानवे का परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ है पंचायती राज व्यवस्था का जो गठन हुआ है वो तिहत्तरवें संविधान संशोधन जो कि वर्ष उन्नीस सौ बानवे में परिणाम स्वरूप यह संभव हुआ देखिए बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि तिहत्तरवा संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था उन्नीस सौ बानवे ईस्वी और इसमें क्या किया गया था तो पंचायती राज व्यवस्था को तिहत्तरवें संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था हमारे संविधान में आगे देखिए तिहत्तरवा संविधान संशोधन अधिनियम इस संशोधन के भाग नौ में अनुच्छेद दो से दो सौ ओ तक पंचायत का प्रावधान किया गया देखिए 73वां संविधान संशोधन जब 1992 में हुआ था इस संशोधन के द्वारा भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 243 ओ तो, तक पंचायत का प्रावधान किया गया इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के एक 11वीं अनुसूची जोड़ी गई इसमें जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो कि भाग 9 में अनुच्छेद 243 से 200 तैतालीस ओ तक प्रावधान किया गया है अब तैताली दो सौ तैंतालीस से दो सौ तैंतालीस ओ क्या है उसके बारे में हम लोग देखते हैं हम लोग अभी देखेंगे दो सौ अनुच्छेद दो सौ तैंतालीस से दो सौ तैतालीस ओ तक तो देखिए अनुच्छेद दो सौ तैंतालीस में जो है पंचायत संबंधित परिभाषा का प्रावधान जो है अनुच्छेद दो सौ तैंतालीस में एक एक कर को याद करते चलिए अनुच्छेद दो जो है पंचायत से संबंधित परिभाषा का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद दो ए में है ग्राम सभा का प्रावधान किया गया है परिभाषित दो में करेंगे इसमें ए बी कुछ नहीं होगा जिसमें ए लगेगा उसमें है ग्राम सभा का प्रावधान किया जाएगा और दो बी में जो है अनुच्छेद दो बी में पंचायतों का गठन का प्रावधान है और सी में जो है पंचायतों की संरचना का प्रावधान है कि पंचायत की संरचना किस प्रकार की होगी वो दो सौ सी सी से संरचना याद रखिएगा बी से प्रावधान और ए से जो है ग्राम सभा का प्रावधान किया जाए और डी में जो है पंचायत के स्थानों का आरक्षण यानी कि दो सौ डी में जो है पंचायतों में आरक्षण जो अल्पसंख्यक के आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है रिजर्वेशन सीट की वो है दो अनुच्छेद दो डी और ई में जो है पंचायतों की अवधि की पंचायत की अवधि जो है पाँच वर्ष के लिए होगा और दो एफ में जो है सदस्यता की आहारता यानी कि सदस्यता जो होगी सदस्यता के लिए क्या क्या जरूरी है मिनिमम इक्कीस वर्ष होना चाहिए वो आहारता जो है दो एफ में किया गया है देखिए दो जी ये बहुत बार पूछा गया है जी पंचायतों की शक्ति का उदरदायित्व उत्तरदायित्व जो होता है पंचायत की शक्ति जो होता है इसका उत्तरदायित्व जो होता है अनुच्छेद 243 जी में किया गया एच के बात करें तो पंचायत द्वारा कर लगाने की शक्ति यानी टैक्स लगाने की शक्ति जो है अनुच्छेद 243 एच के द्वारा किया गया अनुच्छेद 243 आई वित्तीय स्थिति को पुनर अवलोकन के लिए आयोग का गठन के लिए किया जाता है अनुच्छेद दो जे की अगर बात करें पंचायतों की सेवा की संपरीक्षा दो सौ तैंतालीस के पंचायतों के लिए निर्वाचन का प्रावधान है और एल में जो है संघ राज्यों पर लागू होना इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू ना होना इन में अगर बात करें विधवान विधियों के पंचायतों का बना रहना और दो सौ तैंतालीस को निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन जो है अनुच्छेद ओ इस तरह से पंचायत के अनुच्छेद 248 से 248 ओ तक का व्याख्या आगे हम देखेंगे नगरपालिका नगरपालिका की अगर बात करें 248 पी से 248 जेड जी तक है जो कि अनुसूची बारे में अनुच्छेद 248 पी जो है नगरपालिका की परिभाषा परिभाषित किया जाता है दो सौ तैंतालीस क्यू में नगर पालिका का गठन के बारे में व्याख्या किया गया है अनुच्छेद दो सौ तैंतालीस आर में नगर पालिका की संरचना किस प्रकार का होगा वो व्याख्या की जाती है अनुच्छेद दो सौ तैतालीस एस में वार्ड समितियों की आदि का गठन की संरचना किया जाता है दो सौ तैंतालीस टी में संस्थानों का आरक्षण के बारे में व्याख्या किया गया है नगर पालिका की अवधि की बात करें तो यू में बात किया गया है दो सौ तैंतालीस भी में सदस्यता की आहारिता और दो सौ में नगर पालिका के शक्ति का प्राधिकार और उत्तरदायित्व की व्याख्या किया गया है तो इस प्रकार से नगर पालिका अनुच्छेद दो पी से दो जेड जी तक इसकी व्याख्या जो कि अनुच्छेद बारे के अनुसार किया गया सॉरी अनुसूची बारे में किया गया अब यहाँ से देखिए प्रश्न पूछे जाते हैं भारत में पहली नगर परिषद उन्नीस सौ में मद्रास में गठित किया गया पूछा जाता है कि भारत में पहली नगर पालिका परिषद किया गया था तो में किया सड़सठ अड़सठ में गठित किया गया था वर्ष सत्रह सौ छब्बीस नगर पालिका परिषद की स्थापना बम्बई और कलकत्ता में की गई थी नगर पालिका परिषद ठीक है नगर पालिका परिषद की स्थापना बम्बई एवं कलकत्ता में की गई तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा गए यहाँ से ये भी वी आई क्वेश्चन है भारत में पहली नगर पालिका परिषद अगर पूछ लिया जाए तो सड़सठ अड़सठ में सोलह सौ सो सड़सठ अड़सठ में मद्रास में गठित किया गया था वर्ष सत्रह सौ छब्बीस में नगर पालिका परिषद की स्थापना बम्बई और कलकत्ता में किया गया था तो ये दोनों फैक्ट जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे अब देखिए हमारी पंचायत राज व्यवस्था जो है किस प्रकार की है त्रिस्तरीय प्रणाली है ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र तो यहाँ से भी देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो होता है पूछा था बी पी एस सी सिक्स टू एट में कि ग्रामीण क्षेत्र पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा होगा तो सबसे निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत होता है ग्राम पंचायत के ऊपर होता है पंचायत समिति और पंचायत समिति से ऊपर होता है जिला परिषद ये ग्रामीण क्षेत्र में अगर वही शहरी क्षेत्र की बात करें तो सबसे छोटा जो होता है नगर पंचायत होता है उससे ऊपर नगर पालिका उससे ऊपर जो होता है नगर निगम होता है तो ये देखिए ये जो है क्रम है यहाँ पर पूछा गया था टू में कि व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में सबसे निचला स्तर कौन सा होगा तो ग्राम पंचायत होगा एक एक को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक एक को अच्छे तरीके से हम लोग करने वाले हैं अब यहाँ पर है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक यानी पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है तो लोडर रिपन लोड रिपन को कहा जाता है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है लोड रिपन को कहा जाता है लोड रिपन ने वर्ष अठारह सौ बेरासी ईस्वी में स्थानीय स्वशासन जिससे कि मैग्ना काटा प्रस्तुत किया था तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखेंगे आगे हम लोग देखेंगे भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था है वो किस प्रकार की है स्तरीय प्रणाली है ठीक है जिला जिसमें जिलाध्यक्ष अध्यक्ष और सरकारी तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो बाँटे हैं पंचायत समिति सरपंच वार्ड और वार्ड सदस्य ये पंचायत का भाग होता है पंचायत के कितने भाग होते हैं वार्ड सदस्य सबसे कम निचला पद उसके आ ऊपर जो होता है वार्ड पंच उसके ऊपर जो होता है सरपंच होता है और तीन और ये दोनों मिला के बनते हैं पंचायत समिति बनते हैं ठीक है अध्यक्ष होते हैं मुखिया वार्ड सदस्य देखिए यहाँ पर मुखिया होता है सब इस सब का प्रधान क्या होता है मुखिया होता है और पंचायत समिति में क्या होता है पंचायत समिति का जो होता है प्रमुख वो प्रमुख कहलाता है ये अप्रत्यक्ष तरीका से चुनाव इसका होता है अब सरकारी में सी होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी होता है ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत ऑफिसर और बी जो होता है जिसे ग्राम सेवक यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है इसकी अगर न्यूनतम आयु की बात करें तो इक्कीस वर्ष है योग्यता में बात करें तो इक्कीस वर्ष है अब हम त्रिस्तरीय प्रणाली की व्याख्या हम लोग करेंगे तो देखिए ग्राम स्तर सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ग्राम स्तर की तो ग्राम सभा गांव में रहने वाला प्रत्येक नागरिक जो कि गांव में रहता हो ग्राम स्तर का कहलाएगा गांव पर शासन करने के लिए ग्राम पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक परिषद का चुनाव करती है ग्राम पंचायत का चुनाव पाँच वर्षों के लिए ग्राम पंचायत यानी गांव में जो लोग रहते हैं उस पर जो लोग निर्वाचन पद्धति के द्वारा चुन जो प्रतिनिधि चुन कर आते हैं उनकी जो है ड्यूरेशन जो होती है पाँच वर्षों के लिए होती है अगर ब्लॉक स्तर की बात करें तो ब्लॉक स्तर में होता है पंचायत समिति पंचायत समिति का सदस्यों के चुनाव होता है सीधे ग्राम सभाओं के द्वारा किया जाता है जिसके पंचायत समिति के द्वारा मिलाकर एक प्रमुख बनाया जाता है इसमें पंचायत समिति वोट कर कर एक प्रमुख को चुन लिए जाते हैं जो कि ब्लॉक स्तर का होता है और जिला स्तर की बात करें तो जिला परिषद जिला परिषद का चुनाव होता है जो कि सदस्यों का चुनाव सीधे ग्राम सभाओं के द्वारा ही किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था जो कि ग्यारहवीं अनुसूची के तहत पंचायतों के अंतर्गत उनतीस विषयों की सूची में व्यवस्था की गई है तो ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा अब हम ग्राम पंचायत के बारे में बात करेंगे तो ग्राम पंचायत में है ग्राम पंचायत भारत में पंचायती राज प्रणाली की सबसे छोटी इकाई है अभी जस्ट इसकी चर्चा की है और ये क्लास सिक्स टू एट के में पूछा भी गया था बीपीएससी पी टू में कि सबसे छोटी प्रणाली पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या होगी तो ग्राम पंचायत होगा और वहाँ पर ग्राम पंचायत दिया हुआ था और यह ग्रामीण क्षेत्रों का स्थानीय स्व सरकारी निकाय के रूप में कार्य करती है ठीक है गांव का विकास बुनियादी ढांचा इनका काम जो होता है यानी ग्राम पंचायत का जो काम होता है गांव का विकास करना होता है गरीब उन्मूलन कार्यक्रम जैसे एम नरेगा के तहत चलाया जा रहा कार्यक्रम हो या फिर अंत्योदय योजना के तहत काम चलाया जा रहा हो तो इनके बंटवारा बंटवारा लोगों तक उनकी सुविधा पहुंचाने का काम अभिलेख का रख रखाव यानी जन्म और मृत्यु या विवाह प्रमाण पत्र जाति आय निवास जारी करवाने का काम राजस्व संग्रह राजस्व संग्रह राज्य राज सरकार द्वारा लगाया गया कर जो होता है उसके संग्रह करने का सामाजिक कार्यों का आयोजन आपदा प्रबंधन प्रबंधन राहत सामग्री पहुंचाना सामुदायिक विकास करना भागीदारी शामिल करना सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देना, सेवा प्रदान करना ये सभी जो काम है, ग्राम का है अब हम बात करते हैं सरपंच का तो सरपंच की अगर बात करें तो सरपंच का काम जो होता है सरपंच एवं पंच का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा जनता के द्वारा ही होता है सरपंच एवं पंच को शपथ पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है ये याद रखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सरपंच और पंच की जो शपथ की प्रक्रिया है किनके द्वारा दिलाई जाती है तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा इनकी शपथ दिलाई जाती है अब उप सरपंच का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा अपने ही पंचों द्वारा किया जाता है यानी जो पंच निर्वाचित होकर आते हैं उनके द्वारा ही उप सरपंच का चुनाव जो होता है अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है तो ये सारे फैक्ट भी याद रखिएगा सरपंच या उप सरपंच अपना त्यागपत्र विकास अधिकारी को देते हैं किसको देते हैं ग्राम विकास पदाधिकारी को देते हैं अपना त्यागपत्र सरपंच या उप सरपंच अपना त्यागपत्र जो है विकास अधिकारी को देते हैं पंच के प्रति अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पंच होते हैं उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता न्यूनतम तीन हज़ार की जनसंख्या पर नौ पंच होते हैं आबादी अधिक होने पर प्रति एक हज़ार जनसंख्या प्रति एक हज़ार जनसंख्या पर दो पंच बढ़ जाएंगे ग्राम सभा ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी व्यस्क मतदाता मत जिसका नाम मतदाता सूची में होता है इसके सदस्य होते हैं चौबीस अप्रैल को पंचायत दिवस मनाया जाता है याद रखिएगा पंचायत दिवस कब मनाया जाता है चौबीस अप्रैल को तिहत्तरवा संविधान संशोधन जो कि वर्ष उन्नीस में पारित हुआ था इसमें महिलाओं को पंचायतों का आरक्षण दिया गया पंचायत समिति का मुख्य सरकारी अधिकारी वन विकास अधिकारी होता है। अब इसके विषय में हम लोग बात करेंगे ग्यारहवीं अनुसूची में अनुच्छेद दो जी के तहत पंचायती राज संस्थानों की कुल निम्न उन्तीस विषय सौंपे गए हैं कृषि भूमि सुधार का है मृदा संरक्षण का है लघु सिंचाई जल प्रबंधन जल ग्रहण विकास पशुपालन डेयरी मुर्गी पालन मुर्गी पालन मत्स्य पालन सामाजिक वानिकी कृषि वानिकी लघु वन उपज लघु उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण कुटीर उद्योग ग्रामीण आवास योजना पेयजल ईंधन एवं चारा नालिया, की नालियाँ पुल जलमार्ग एवं अन्य साधन जैसे कि ग्रामीण विद्युतकरण यानी कि ग्रामीण में जो भी बेसिक जरूरत की चीजें हों उनको एह, उनको लागू करने का संस्थान द्वारा एह, उनकी जिम्मेदारी होती है सांस्कृतिक गतिविधियां हो पुस्तकालय हो अनौपचारिक शिक्षा हो साफ सफाई हो ये सब सारे जो हो अब है पंचायत समिति ग्राम पंचायत के बाद हम लोग पढ़ेंगे पंचायत समिति ग्राम विकास कार्यक्रम की योजना बनाना और कार्यान्वयन संसाधन जुटाना ब्लॉक के भीतर ग्राम पंचायतों का साथ समन्वय जो ब्लॉक जो ब्लॉक होते हैं उसके भीतर जो होता है ग्राम पंचायत जो होता है वो दोनों आपस में समन्वय बनाते हैं ग्राम पंचायत का जो कामकाज होता है निगरानी करना धन वितरण करना ग्रामीण विकास कार्यक्रम योजना के प्रगति का निगरानी का मूल्यांकन करना ये पंच पंचायत समिति का काम है इसके आगे जो है जिला परिषद ग्राम पंचायत पढ़ लिए अब हम लोग पढ़ेंगे जिला परिषद ग्राम पंचायत पढ़ लिए इसके आगे हम पंचायत समिति पढ़ लिए अब हम लोग पढ़ेंगे जिला परिषद जो कि तीसरा त्रि व्यवस्था पर रहे हैं जिला परिषद भारत के पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर है सबसे निम्न स्तर ग्राम पंचायत और सबसे उच्च स्तर जो होता है एह, जिला परिषद होता है जो कि जिले के एक समग्र विकास और प्रबंधन के लिए क्या होता है रिस्पांसिबल होता है जिम्मेदार होता है जिला स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास स्वास्थ्य शिक्षा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम का विकास करने का जो है जिला परिषद उत्तरदायित्व जिला परिषद जो होता है राज्य सरकार सरकार और केंद्र अन्य स्रोतों जैसे गैर सरकारी संगठन निजी क्षेत्र संगठन अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जैसे विभिन्न भी स्रोतों से ग्रामीण विकास के लिए संसाधन जुटाती है जिला परिषद विकास कार्यक्रम की ओर योजनाओं को प्रभावी कार्य कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निचले स्तर के स्थान जैसे पंचायत समिति ग्राम पंचायत के साथ अपना ये जो है कोऑर्डिनेशन करते हैं समन्वय बनाते हैं जिला परिषद जिला परिषद उद्यमिता को प्रोत्साहित करने यानी कि छोटे छोटे उद्योग उद्योग को विकास करने में प्रोत्साहन करना शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है कौन जिला परिषद अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा नगर पालिका तो नगर पालिका में जो होता है इसके भी तीन अंग होते हैं नगर पंचायत सबसे छोटी इकाई नगर पालिका की सबसे छोटी इकाई निम्न स्तर जो होता है नगर पालिका सबसे उच्च स्तर जो होता है नगर निगम होता है ठीक है तो नगर निगम की अगर बात करें तो बड़े नगरीय क्षेत्रों महानगरों में गठित किया जाता है नगर पालिका छोटे शहरों अथवा लघु नगरीय क्षेत्रों में गठित किया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है नगर निगम जो होगा बड़े क्षेत्र यानी महानगरों में गठन किया जाएगा वहीं अगर नगर पालिका की बात करें तो छोटे शहर अथवा लघु नगरीय क्षेत्र को गठित किया जाता है नगर पंचायत की अगर बात करें ऐसे संक्रमणशील क्षेत्र में गठित की जाती है जो गांव से शहर में परिवर्तन हो रहे हैं यानी नगर पंचायत जो होता है यानी छोटे शहर जो कि गांव से शहर में परिवर्तित हो रहे हैं उसे नगर पंचायत गठन किया जाता है तो ये आप नगर पालिका का तीनों फैक्ट आप लोग समझ गए होंगे नगर निगम के में तीन प्राधिकरण होते हैं जिसमें परिषद स्थायी समिति तथा आयुक्त आते हैं नगर पालिका की बात करें तो ये चौहत्तरवें संविधान संशोधन द्वारा नगरों को स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी याद रखिएगा ये ग्राम पंचायत का 73वें संविधान संशोधन 1992 में, में जोड़ा गया लेकिन नगरपालिका की अगर बात करें तो 74वें संविधान संशोधन में, में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई नगरों के अनेक वार्डों में बांटकर नगरीय स्थानीय निकायों का गठन होता है इसके अध्यक्ष को मेयर या चेयरमैन कहा जाता आप लोग नगरपालिका में सुने होंगे कि मेयर का चुनाव हो रहा है चेयरमैन नगरपालिका समिति इसका गठन वैसे क्षेत्र जिसकी जनसंख्या लगभग पचास हजार से अधिक नहीं है हेतु किया जाता है नगर पालिका समिति का, का गठन वैसे क्षेत्र में किया जाएगा जिसकी जनसंख्या पचास हजार से अधिक नहीं हो वो वैसे क्षेत्र में नगर पालिका समिति का, का गठन किया जाएगा नगर परिषद की अगर बात करें ये नगर पालिका समिति जो होगा पचास हजार से कम आबादी वाले क्षेत्रों में इसका गठन किया जाएगा नगर परिषद की बात करें इसका गठन छोटे शहर हेतु किया जाता है जिसकी जनसंख्या पचास हजार से अधिक परंतु तीस हजार से कम है ऐसे क्षेत्रों में नगर परिषद का गठन किया जाता है पचास हजार से अधिक हो नगर सत, नगर परिषद परिषद में से अधिक किंतु तीन लाख से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में नगर परिषद का गठन किया जाता है नगर पालिका में पचास हजार से कम आबादी वाले पचास हजार से अधिक नहीं है नगर समिति का गठन किया जाता है और नगर परिषद में पचास हजार से अधिक तीन लाख से कम आबादी वाले जनसंख्या में नगर परिषद का गठन किया जाता है वहीं अगर नगर निगम की बात करें तो इसका गठन वैसे बड़े शहर शहरी क्षेत्रों हेतु किया जाता है जिनकी जनसंख्या तीन लाख से प्लस हो तीन लाख से ज्यादा हो पंचायती राज संबंधित समिति पंचायती राज संबंधी समिति जो कुछ समिति बनाए जा गए थे जिसमें दो स्तरीय किन्हीं ने दो किन्हीं का सुझाव त्रिस्तरीय था किन्हीं का सुझाव दो स्तरीय था यहाँ से भी प्रश्न दो से तीन चार समिति ऐसे हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सबसे मान्य जो है बलवंत राय मेहता समिति बलवंत राय मेहता समिति जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दी का सुझाव दिया था, था इन्होंने जो कि उन्नीस में समिति को ने ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद से मिलकर त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश की थी और इन्हीं का भी मान्य भी है बलवंत राय मेहता समिति उन्नीस में जो कि त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव इन्होंने दिया था वो त्रिस्तरीय क्या है ग्राम पंचायत उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद सबसे छोटा ग्राम पंचायत और सबसे बड़ा जो होगा उच्च होगा जिला परिषद होगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा में दिया गया था। अब बात करें हम अशोक मेहता समिति की अशोक मेहता समिति ने ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत और जिला परिषद से मिलकर दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को स्थापना की सिफारिश की थी तो याद रखिएगा, दो स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना की सिफारिश किसने की थी तो अशोक मेहता समिति ये इन्होंने वर्ष उन्नीस में किया था इसमें दो स्तरीय में जो था ग्राम पंचायत और जिला परिषद के किया था जबकि बलवंत राय मेहता समिति ग्राम पंचायत पंचायत समिति और जिला परिषद यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति हनुमंत राव समिति का गठन उन्नीस में हुआ था पंचायती राज संस्थानों में स्थानीय भागीदारी से अधिक से अधिक होनी चाहिए ये हनुमंत राय समिति के अनुसार जो है इनका सिफारिश था कि पंचायती राज संस्थान में जो है स्थानीय भागीदारी यानी वहाँ की स्थानीय भागीदारी जो है अधिक से अधिक होनी चाहिए ताकि पंचायती राज व्यवस्था का विकास अच्छे से हो सके पी के थुगमल समिति का गठन उन्नीस निवासी में हुआ था इसमें इन्होंने जो सुझाव दिया था इन्होंने तीन सुझाव दिए थे पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा मिले दूसरा सुझाव था जिला नियोजन स्तर पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए और तीसरा दिए थे पंचायती राज संस्थानों के चुनाव नियमित करवाए जाए कि पंचायती राज संस्थान का जो चुनाव है नियमित कराया जाना चाहिए पंचायती राज संस्थानों को संविधानिक दर्जा मिले और जिला नियोजन स्तर पर राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जाए तो ये जो थे सभी के पंचायती राज व्यवस्था के सुझाव थे अब कुछ जो है पंचायती राज का जो ऑथोरिटी है पंचायती राज पंचायत आर डेवलपमेंट ऑन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो है राज्य सरकार और केंद्र सरकार के फंडिंग के द्वारा किया जाता है विच कैन रिजल्ट इन शॉर्टेज द फंड्स फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ठीक है जब फंड का शॉर्टेज हो जाता है कमी हो जाती है तो लक ऑफ पोलिटिकल विल इम्प्रूव डेवलपमेंट पावर ऑफ द पंचायत पुअर पार्टिसिपेशन यानी कि लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन इज लो बिलो ब लक ऑफ अवेयरनेस ऑफ राइट्स ऑफ ड्यूटी ऑफ पीपुल एल्सो लक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस अबाउट द सिस्टम पुअर पार्टिसिपेशन कब होगा जब वहाँ के लोग शिक्षित नहीं होंगे अपने कर्तव्य शिक्षित नहीं होंगे जागरूक नहीं होंगे तो ऐसे में जो है वहाँ का पार्टिसिपेशन क्या होगा कम हो जाएगा और तीस जो है कास्ट एंड जेंडर बाइस जेंडर बाइस का अर्थ होता है लड़का और लड़की के लिए लेकर होता है कास्ट आप लोग समझ ही गए होंगे बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर औरत और लोअर कास्ट जो होते हैं निम्न जाति के लोग जो होते हैं उसको कम अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कम अवसर दिया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए फुल्ली इन द डिसीजन मेकिंग तो ये जो है अब पंचायती राज व्यवस्था की अगर हम निष्कर्ष की बात करें इसका कंक्लूजन का तो पंचायती राज व्यवस्था में अगर देखा जाए कुछ लोग पंचायती राज व्यवस्था एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं उनका मानना है कि इस प्रणाली में बुनियादी सेवा को डिलीवरी को बेहतर बनाने में मदद मिलती है पंचायती राज व्यवस्था की अगर देखा जाए तो एक सकारात्मक विकास के रूप में देखते हैं उनका मानना है कि इस प्रणाली बुनियादी सेवा को डिलीवरी यानी बेहतर बनाने में मदद करता है दूसरी तरफ कुछ पंचायती राज व्यवस्था का आलोचना भी करते हैं जैसे कि भ्रष्टाचार भाई भतीजाबाद कि अपने भाई को ही बना दिया निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्थानीय अभिजात वर्ग के वर्चस्व यानी कि उच्च कोटि लोगों की वर्चस्व चुनौती की ओर इशारा करते ये तो आलोचना हो गया और उल्लेखनीय रूप से उल्लेखनीय रूप से इस सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और जमीनी स्तर पर आर्थिक सशक्तिकरण के अवसर पैदा करने में मदद करती है कौन पंचायती राज व्यवस्था इस तरह से आपका पंचायती राज व्यवस्था समाप्त हो गया यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें तो हम इसी तरह आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही जय हिंद